नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें, हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। जन स्वास्थ्य निदेशक ने सभी जिले के CMHO को लिखा है पत्र। अस्पताल का नाम, पता, संचालक, मालिक का नाम, अस्पताल में बेड्स की संख्या और अस्पताल की वर्तमान स्थिति बंद है या चालू, ये जानकारी मांगी गई है सभी जिला CMHO से। और इससे पहले शुक्रवार को जयपुर पुलिस भी इसी तरह की जानकारी जुटाना शुरू कर चुकी है। एक तरफ जहां राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जानकारी मांगी जा रही है। और ज्यादा अपडेट के लिए सहयोगी आशुतोष का मैं रुख करना चाहूंगी। आशुतोष, जानकारी जुटाई जा रही है, अस्पताल में कितने बेड्स मौजूद हैं, मरीज कितने परेशान हो रहे हैं और भी तमाम जानकारी जुटाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल, ये सिलसिला कल शुरू हो गया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात करें तो एक आदेश जारी किया गया तमाम थाना अधिकारियों के आप अपने अपने जो आपके थाना क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा अस्पताल है, उनका पूरा नाम क्या है, पता क्या है, उसके संचालक कौन है, मालिक कौन है, उनके नाम, मोबाइल नंबर, साथ में जो बेड अस्पताल है उसमें बेड की संख्या क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि अस्पताल चालू है या बंद है, मतलब संचालित किया जा रहा है या अस्पताल के विरोध में पूरी तरीके से बंद रखा जा रहा है, वो कल पुलिस की तरफ से निकला था। आज स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर की तरफ से पूरे जो प्रदेश है उसके तमाम CMHO को, जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है, उनको ये आदेश जारी किए गए हैं कि आपके अपने अपने जिलों के अंदर तमाम जो ऐसे अस्पताल हैं उनकी सूची तैयार कीजिए, अस्पताल का नाम, पूरा के पूरा अस्पताल के बारे में जानकारी सरकार जुटा रही है। इसे देखिए, अस्पताल, ये अस्पताल जो है वो अपना मन बना चुके हैं कि वो इस आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में संभावित तौर पर सरकार ये तैयारी कर रही है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार शक्ति दिखाती है तो किस तरीके से दिखा सकती है। अच्छा, स्वास्थ्य निदेशक का CMHO को पत्र लिखकर जानकारी मांगना, आशुतोष, साफ तौर पर क्या ये माना जाए इसका मतलब कि सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं है? देखिए, सरकार तो किसी भी स्तर पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जी लाल मीणा बहुत साफ कर चुके हैं इस बात को, और पीछे हटने के मूड में निजी चिकित्सालय भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो अभी आमने सामने जैसी स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है राजस्थान के अंदर। अब इसमें दो बातें हैं जो कल भी हम दोहरा रहे थे कि एक तो ये जानकारी इसलिए ली जा रही है कि अगर निजी अस्पताल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, 27 तारीख को पूरा कंप्लीट शटडाउन का कॉल किया गया है, तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार को क्या कुछ करनी होगी। और दूसरा, अगर सरकार एक्शन लेने के मूड में है तो ऐसे तमाम अस्पतालों की सूची तैयार की जाए और ऐसे अस्पतालों पर सख्ती दिखाई जाए, क्योंकि सरकार जब अस्पताल देती है, अस्पताल प्रोवाइड करती है तो सस्ती दरों पर जमीन भी देती है, सुविधाएं भी देती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं सरकार की तरफ से दी जाती है। अस्पताल, निजी अस्पतालों की अपनी दलीलें हो सकती है, लेकिन सरकार सबसे पहले जनता का हित चाहती है, जनता को किसी भी तरीके से परेशान नहीं देखना चाहती है। और ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर सख्ती का रुख सरकार की तरफ से अपनाया जाए। शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो खबर का मजमून ये सामने आया निकलकर कि डॉक्टर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है और अब डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य निदेशक ने CMHO को पत्र लिखा है और जानकारी मांगी गई है कि भाई इस विरोध से अस्पताल में कितनी चीजें हुई हैं प्रभावित।